अरे भाई देख के पार हो यार। अरे 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 अरे, आराम से आराम से। कैसे सो भाई साहब? आज होने वाले तगड़े वाले ऑफ रोडिंग। इतने बड़े बड़े पत्थर लेना कि क्या ही बोलना। ओ भाई सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप लोग? आई होप सब बढ़िया होंगे भाई लोग। तो आज देखो फिर से एक नए दिन की शुरुआत हो चुकी है भाई, और हम निकल चुके हैं अभी राइड पे। और अभी का टाइम हो रहा है भाई 10, बट भाई लग नहीं रहा है कि 10 बज चुके हैं। तो बाइक पे फ्यूल अप करा लेते हैं भाई, क्योंकि बाइक में थोड़ा फ्यूल ब्लिंक कर रही है। तो सबसे पहले बाइक पर फ्यूल अप कराते हैं, उसके बाद फिर चलेंगे राइड कंटिन्यू करते हैं। भाई साहब अपना तो फ्यूल अप हो गया, और एक बाइक है डोमिनार, तो उस पर अभी फ्यूल अप हो रहा है। तो गाइस फाइनली हम लोग का फ्यूल अप हो चुका है, और साथ में और एक बाइक है आज डोमिनार। भाई साहब हमने फ्यूल डलाया, बट भी देखो अभी भी बाइक ब्लिंक कर रही है यार। अरे भाई देख के पार हो यार। अरे 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 अरे, आराम से आराम से। कैसे भैया जी? चलो अच्छा हुआ कि बच गया भाई, नहीं गिरा वो लोग। सुबह सुबह ये सब अच्छा नहीं लगता है भाई। देखो क्या बोलना यार। सो गाइस आज टोटल 3 बाइक है, एक मेरी बाइक है, एक डोमिनार और एक स्पेंडर प्लस। तो कुछ कुछ भाई लोग आगे चले गए हैं, और डोमिनार वाला भाई लोग पीछे से आ रहा है। गाइस ऐसा वेदर देख के लग रहा है ना कि अभी अभी भाई मॉर्निंग हो रहा है। तो गाइस आराम से ही चलेंगे, क्योंकि और जो बाइक है ना वो धीरे धीरे ही आ रहा है, तो ज़्यादा स्पीड नहीं जाएंगे। अगर वो लोग भगाएगा तो फिर हम भी भगाना स्टार्ट करेंगे। तो बस वैसे निकलने का तो प्लान था नहीं, बट अचानक से प्लान हम लोग का बन चुका है और हम लोग निकल गए। और इधर देखो भाई अभी भी पूरा फोक फोक सा हो रखा है। वैसे गोप्रो में पता नहीं चल रहा है या नहीं, बट पूरा फोगी फोगी सा हो रखा है वेदर। और अभी हम लोग जाने वाले हैं आज हिल स्टेशन के साइड पे, तो उधर पता नहीं यार, उधर तो कुछ दिख ही नहीं रहा है यहाँ से। अब जाने के बाद ही पता चलेगा कि क्या सीन है उधर का। और काफ़ी टाइम के बाद हम जाने वाले हैं आज हिल स्टेशन। ओ भाई साहब फ्लाई बाय देते निकल गया। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। चलो अब आप उनका भी भगाने का मौका मिला है। वो भी डोमिनार में तीबर। ऐसा डर में डर लगता है भाई अपने को। अच्छा सो भाई इधर काफी टाइम के बाद आने के बाद ना बहुत कुछ चेंज लग रहा है। देखो इधर पूरा दोनों साइड पे ये बांस का लगे हुए है भाई, काफी बदला बदला सा नजर आ रहा है इधर। कुछ तो पड़ा भाई हेलमेट के वाइजर पे। इसलिए भाई हम हमेशा अपना वाइजर बंद करके चलाते हैं, पता नहीं यार क्या। अभी जस्ट पूरा टक्स आवाज आया, आप लोगों को अगर आवाज आया होगा तो नहीं। इसलिए हम हमेशा अपना वाइजर बंद करके ही बाइक चलाते हैं भाई। ओ भाई पूरा सामने से पार हुआ भाई, हमको लगा ना कि वो अपना साइड से जाएगा, बट वो ब्रेकर था ना, तो ब्रेकर हल्का टूटा हुआ था, तो भाई टूटा हुआ था बोल के वो इधर से आया और सामने से सट के पार हुआ। तो फाइनली पहुँच चुके हैं हिल स्टेशन। अगर हम सोलो रहते ना गाइस तो क्या ही मजा आता। नीचे सट जा रहा है यार। तो भाई साहब हम लोग सबसे आगे आ चुके हैं, भगाए ना तो सारे को पीछे हो चुका है भाई। तो कहीं पे वेट करते हैं, उन लोग का आने देते हैं, उसके बाद फिर साथ में चलेंगे। देख रहे हो यहाँ पे पूरा रोड के साइड साइड पे ना पौधा आ गया भाई, पूरा रोड पे आ गया हल्का। और देखो भाई साहब फोगी फोगी सा वेदर। तो गाइस आने देते हैं, लोग का वेट करते हैं यहाँ पे।
सो गाइस इधर का एरिया काफ़ी सुनसान रहता है पूरा, मतलब नॉर्मल कभी कभी बाइक वगैरह आते रहता है। और देखो ये हमारा हिल स्टेशन है, और काफ़ी टाइम के बाद आज हम इधर आ रहे हैं, ऑलमोस्ट 1 मंथ हो चुका होगा। सो गाइस ये लोग आ चुका था, अब हम लोग आगे जा रहे हैं। बाइक भगाने में भाई बहुत मजा आता है। थोड़ी सा ना बाइक अपनी बोले ना भाई, क्या बताएं, बार बार ये चीज़ बताना सही नहीं लगता है भाई, पूरा जर्क मारती है अपनी बाइक। तो यहाँ पे रोड सही है गाइस, तो हम लोग यहाँ पे रुकेंगे और फोटो वगैरह क्लिक करता है या फिर देखते हैं जो भी। अपना सोकर बहुत डैमेज है भाई, हमको सोकर बहुत जल्दी चेंज करना है, क्योंकि थोड़ा सा ऊंचा नीचा में ना हिलने लगता है, अनबैलेंस हो जाता है बाइक। तो रियर सोकर चेंज करना है अपने को, तो वो देखते हैं नेक्स्ट मंथ हम करने की कोशिश करेंगे। सो गाइस हम लोग का रील्स वगैरह शॉर्ट हो चुका है, अब हम लोग निकल चुके हैं भाई आगे। तो आज हम लोग जाने वाले हैं डैम के साइड। आप लोग को एक बार याद होगा तो हमने एक बार डैम दिखाया था, तो उस टाइम डैम पे पानी उतना नहीं था, बट अभी जा के देखते हैं भाई कि अभी का क्या सीन है। और भाई इधर काफ़ी तगड़े वाले ठंडा लग रहा है भाई साहब, डैम जाने के लिए कैसा कैसा रास्ता पे हम लोग को जाना पड़ रहा है, तगड़े वाले ऑफ रोडिंग तो अभी मिलने वाले हैं भाई। सो भाई साहब आज होने वाले हैं तगड़े वाले ऑफ रोडिंग। इतने बड़े बड़े पत्थर लेना कि क्या ही बोलना। चलो भाई, ओ हैंडल के साथ ऑफ रोडिंग हो रहा है गाइस, देखो ओ फाइनली उतर चुके हैं। और एक बाइक है तो डोमिनार को भी ले लाते हैं नीचे, तो आप लोगों को दिखाते हैं कि कैसा सीन था यहाँ का। देखो ये पूरा ऐसा बड़े बड़े पत्थर है तो उतारना मुश्किल है। हो पीछे आगे ब्रेक मत यूज करना, आगे ब्रेक नहीं, आगे ब्रेक नहीं, आगे ब्रेक नहीं, आगे ब्रेक मत यूज करना। ओ भाई पत्थर बहुत हार्ड हार्ड है, चलो भाई फाइनली दोनों बाइक आ चुकी है नीचे। फिर से भाई इधर देखो कैसा कैसा ऑफरोडिंग करना पड़ रहा है अपने को। सो भाई साहब कड़ी मेहनत के बाद हम लोग आ चुके हैं ऑफरोडिंग करके, और ये देखो भाई यहाँ का सीन। ओ भाई स्लिप कर रहा था। सो देखो हम लोग सारी बाइक यहाँ पे ले आए हैं, और यहाँ का सीन देखो आप, ये पेड़ टूट के गिर चुका है। अभी भी पानी बहुत कम है भाई यहाँ पे, जब हमने पिछले बार आया था ना तो इतना पानी नहीं था डैम पे, और अभी देखो क्या ही खूबसूरत लग रहे हैं। तो गाइस देखो ये है ऐसा लोकेशन यहाँ का, और अभी लग रहा है पानी बहुत कम हो चुका है भाई, क्योंकि इधर भी पूरा गीला है। सो भाई जाकर पूरा यहाँ पे पेड़ भाई, इसका बीच में है पेड़, और पूरा समझ सकते हैं आप लोग कितना गड्ढा होगा यहाँ पे, और कितने सारे पेड़ तो भाई दिख भी नहीं रहे देखो बीच में, अगर आप लोगों को नजर आ रहा होगा तो। सो फाइनली बस हम लोग निकल चुके हैं अभी डैम से, और अभी हम लोग दूसरे रास्ते से जा रहे हैं, उधर से नहीं जा रहे हैं क्योंकि भाई उधर से बाइक नहीं चढ़ पाएगी, क्योंकि भाई बहुत बड़े बड़े पत्थर थे। सो फाइनली बस हम लोग अभी आ चुके हैं डैम से रोड पे, और बाइक इतनी गंदी हो रखी है ना भाई, पूरा कीचड़ कीचड़ हो रखा है बाइक। तो भाई साहब बाइक का टायर पूरा हो चुका है गंदा, पूरा कीचड़ आ रहा है भाई फेस पे। चल
क्योंकि हमने डैम पे बाइक उतारा था ना, और डैम पे पूरा गीला था मिट्टी, और पूरा शू वगैरह पूरा में मिट्टी मिट्टी हो चुका है भाई। तो भाई साहब हिल स्टेशन हो चुकी है ख़त्म भाई। ज़्यादा मॉर्निंग में आते ना तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता भाई, क्योंकि पूरा फॉग फॉग सा वेदर हो रखा था, और अभी भी हटा नहीं है फॉग सा वेदर, पूरा क्या ही मस्त लग रहा था। सो फाइनली बॉयस अभी हम लोग आ चुके हैं सिटी पे। फिर हम लोग का बड़ा तालाब भाई साहब, यहाँ पे आई लव लोहरदगा लिखा हुआ था, पता नहीं क्या हो गया। अरे भाई ये तो पूरा टूट फट गया, रहने नहीं देता यार लोग, कोई चीज़ अच्छा चीज़ होता है तो भी नहीं रहने देता है, सारे लाइट वगैरह उखड़ चुके हैं। सो गाइस मुझे पता है कि आज का ब्लॉग काफ़ी छोटा होने वाला है, तो चलो फिर मिलते हैं भाई लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। वैसे भी गोप्रो का बैटरी ख़त्म हो चुकी है, तो चलो फिर मिलते हैं भाई लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।